ओके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 100 एपिसोड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है एक शो के लाइफ में, और ये हम सब की मेहनत एंड डेडिकेशन और ऑडियंस का प्यार है जिसने हमें यहाँ तक लाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 100 का 200 300 400 बस बढ़ता जाए जी। बस उनके प्यार के लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही थैंकफुल है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्यार बरकरार रहे। किसी से नहीं, सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन पाई है। एक्चुअली सबसे अच्छी नविका और मेरा बेटा जो बनता है लक्ष्य और कबीर हिमांशु, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो बनती है एकता विभूति, मुझे सबसे बनी है गोपी जी जो मेरी मदर इन लॉ बनती है, सबसे बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, और हम सब बहुत एक फैमिली के जैसे ट्रूली एक फैमिली के जैसे रहते हैं। मेमोरीज तो कोई मानेगा नहीं, पर 4 महीने हुए हैं, 100 एपिसोड्स हुए हैं, और मेमोरीज तो 400 से ज़्यादा है, तो वो बोलने जाऊँगी तो ख़त्म ही नहीं होगा। उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, हर रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। थैंक यू। इनकी लाइफ का सपोर्ट, मेरे हीरो है ये असली लाइफ के। मैं क्या कहूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग मानसी के शो का 100th एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि टेलीविजन पर मानसी जैसे बहुत ही कम कलाकार आए हैं पिछले 30-40 साल में, जब से मैंने टेलीविज़न देखना शुरू किया है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पत्नी है या हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जितने भी एक्टर्स को देखा है, उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनती, सबसे सक्षम और मुझे लगता है नेचुरली टैलेंटेड जो है वो ये है। अभी ज़्यादा बोलूँगा तो रो देगी, कैमरे पे अच्छा नहीं लगेगा, बट ये मेरा मानना है, ये मेरी पत्नी बनी उससे पहले से। शो की वैसे एक्चुअली मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इनके शो को लेके, क्योंकि जब से शुरू हुआ था ये शो बहुत एक्साइटेड थी मानसी, क्योंकि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, और मानसी वेट कर रही थी काफ़ी सालों तक। मुझसे लोग पूछते थे कि मानसी और टेलीविजन क्यों नहीं कर रही है, तो मैं यही कहता था कि बहुत चूजी है, और फिर एक ऐसा शो आया जो फैमिली के बारे में है, इंडिया को केटर करता है, हमारी मार्केट को केटर करता है, फिर भी अलग है, अलग ना होते हुए भी अलग है। तो आई थिंक मेमोरीज वही है कि हाउ एक्साइटेड शी वॉज व्हेन शी हर्ड द स्क्रिप्ट। और गुरुदेव जो है इस शो के प्रोड्यूसर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और हम जानते हैं कि वो बहुत ही जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, बहुत ही क्या कहना चाहिए, शिद्दत से अपना काम करते हैं, क्योंकि हम साथ में काम कर चुके हैं क्रिएटिवली, तो मुझे पता था कि शी विल बी इन गुड हैंड्स, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। कोई आपकी ओटीटी पे वेब सीरीज वगैरह या कोई मूवी वगैरह आ रही है? वो अभी आज इनकी बातें करेंगे, आज मेरी बात नहीं करेंगे, हम लोग अगली बार बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बस थैंक यू। सो वी कैन विश। हां, मेरी आप दोनों किस तरह से क्रिसमस से? नहीं नहीं, जस्ट विश, जस्ट मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू। साथ में फोटो करते हैं। हां, जस्ट पोज। Thank you.
थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ओके गो अहेड। बहुत ही खुशी हो रही है, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमने वर्कशॉप से शुरू किया है। वर्कशॉप में हम लोग ने 10 दिन बिताए थे, बहुत ही मेहनत की है, कड़ी मेहनत के बाद हम लोग आज 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने सब ने डे एंड नाइट काम किया है, सो ऑफ कोर्स मेहनत रंग लाई है, बट ये जस्ट एक छोटा सा गोल है जो हमने अचीव किया है। हमें 100 के आगे और एक जीरो ऐड करना है, तो उसके लिए और मेहनत करनी है। सो या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी हमने 1 to 100 की थी, तो 100 to 1000 भी उतनी ही करेंगे। एंड ये भी है कि एक्चुअली जो सही बोल रही है, मेहनत बहुत की सब ने और डे एंड नाइट काम किया, दैट इज एक्चुअली वी डिड डे एंड नाइट शिफ्ट लिटरली। तो उसके बाद आज हम जो पार्टी करने वाले हैं उसके लिए हम एक्चुअली एक्साइटेड हैं, क्योंकि वी डिजर्व इट कि हमने इतने टाइम बाद सब लोग साथ में मिलके यहाँ आए हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप सब लोग भी यहाँ पे हैं, और प्लीज़ कीप वॉचिंग आर शो। 100 पे पहुँचे जैसे मैम ने बोला, 1000 पे पहुँचे और एक जीरो और लग जाए, तो ऐसे शो चलता रहेगा। अच्छी बात ये है कि एवरी वीक वी आर ग्रोइंग, सो वो एक बात की हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऑडियंस हमें एक्सेप्ट कर रही है और बहुत सारा प्यार दे रही है। तो हमें हर वीक जब TRP आती है और सब रेटिंग्स मिलती है और रीच मिलती है, तो हमें अगर 0.1 भी बढ़ रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की, यहाँ पीपल आर लाइकिंग इट, वो दिख रहा है। सो और मेहनत करो, हमें और 0.2 आगे जाना, हम और 0.3 आगे जाना है। सो लाइक हम वी आर वर्किंग 100 एपिसोड के लिए रुके थे पार्टी करने के लिए, तो पहले कर लेते, या एग्जैक्टली इसलिए हमने ना लॉन्च पार्टी की, ना हमने कोई पार्टी नहीं की, हम वी वर वेटिंग कि 100 कब we are achieving and then we'll party. memories तो हम हर रोज बनाते हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा शूट करने में महा एपिसोड में मजा आया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा ट्रैक आया था। ओह माय गॉड, सो सेल्फिश रीजन। और मेमोरीज में अपने हंसने वाले भी बताओ। तो तभी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो काफी सारी मेमोरीज बनाई थी, ऐसा एक तो है नहीं। हमारी सबसे अच्छी मेमोरी है कि हम लोग शूट पे बहुत हंसते खेलते रहते हैं, और स्पेशली ये सीन के बीच में भी इतनी लाइट रहती है कि कई बार एकदम माहौल ऐसा रहता है, तो हम लोग काफ़ी हंसते। और मेरी स्पेशल मेमोरी, हमारा एक वॉट्सन योर डब्बा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे हम लंच बॉक्स डिस्कस करते हैं कि कल डब्बे में क्या लाना है। तो मेरा जो लंच टाइम है वो मेरी मेमोरी है, क्योंकि सबके डब्बे से अलग अलग खाना आता है, वी एंजॉय दैट, क्योंकि पूरे दिन की थकान, मतलब सुबह से दोपहर तक वी हैव एनर्जी मिलती है, एंड देन अगेन दोपहर से रात तक हमें एक चार्ज हो जाती है ना। सो या वो एक है। वैसे तो सेट पे सभी बहुत अच्छे हैं, टचवुड, सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, बट हम चार, सही वाला बताओ, हम चार ज्यादा चार ज्यादा रहते हैं। हाँ तो हम चारों का थोड़ा ज्यादा, बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छा है, बट या सबके साथ एक्चुअली हम फैमिली ही प्ले कर रहे हैं शो में, तो सो बच्चों के साथ, तो और हम इतना टाइम सेट पे बिताते हैं तो सब अपनी फैमिलीज के साथ उतना नहीं बिता पाते, तो अभी यही फैमिली है, वो भी है, अगर वो सुनेंगे तो ऐसा ऑफेंड नहीं होगा। अब भी तुम्हारे जाने तक तो वो सो ही जाते हैं, जब भी घर पहुंचते हैं वो सो जाते हैं। तो हमारी बॉन्डिंग सबकी इतनी अच्छी हो गई है कि वो लोग सेट पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो फैमिली पूरी हो गई। मैं कहना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन हु इज पार्ट ऑफ द कास्ट एंड द क्रू मेंबर्स, वी स्टिक अराउंड एज अ फैमिली, फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, सो इट डजंट फील हेक्टिक और थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लगता। इनफैक्ट कोई भी एक भी एक्टर नहीं रहता तो वी मिस देम कि अरे आज ये एक्टर का क्यों नहीं है शूट, क्योंकि हम लोग इतने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हमारी हो गई, घुलमिल हो गए, एज दे सेड कि या वी आर वन फैमिली नाउ। ये मेरी क्रिसमस, ये क्या बोले, ओके हैप्पी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ओके सो वी विश यू मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर शो, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ओवरवेल्म्ड है, 100 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द 500 और फिर 1000 एपिसोड्स भी हो जाए और हम ऐसे ही सेलिब्रेट करें। मेमोरी एक्चुअली हम रोज़ नई मेमोरीज बनाते हैं, हम कुछ आर्टिस्ट का एक ग्रुप है, हम व्हाट्स इन योर डब्बा,
तो हमारे लिए वो पिकनिक होती है बेसिकली। हाँ, वो रोज़ डिसाइड होता है, ग्रुप पे लिखा जाता है कौन आज क्या खाना लाएगा। तो बेसिकली फॉर अस इट्स मोर ऑफ अ पिकनिक, नॉट शूटिंग। क्रिसमस, सो क्रिसमस के साथ मेरी एनिवर्सरी भी होती है, 10 साल पूरे होने वाले हैं शादी के, तो कुछ स्पेशल प्लान किया है मेरे हस्बैंड ने। एंड अदरवाइज फ्रेंड्स मिलकर सीक्रेट सेंटा खेलते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो या ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और मतलब यू नो, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, हैपन टू मी, आई अडॉप्टेड अ लिटिल पपी, तो बहुत सारी छोटी छोटी बहुत अच्छी यादें हैं इस साल के साथ। एंड आने वाला साल भी आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। विश यू अ वेरी वेरी मेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद ग्रेट हेल्थ and a lot of happiness in abundance. Thank you so much. Rena, give a bite. Not me. Don't bite. मैं कहूँगा बल्ले बल्ले। मेरी बहन का ये बहुत ही कामयाब शो, 100 एपिसोड हुए अभी, 1000 एपिसोड की पार्टी में, मतलब उसके पहले 200 में भी आएंगे, 300, 400, 500, but well done. मुझे इसका टाइटल बहुत प्यारा लगता है और शो भी मैंने देखा है, बहुत प्यारा लग रहा है शो। और अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, देखते रहो, और जो लोग नहीं देख रहे ये शो तुरंत देखना शुरू कीजिए। जी, शुरुआत के दिनों में, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मानसी फिर से काम करने लगी थी, साया और कुसुम और कैसे कैसे हिट शोज़ और बहुत सारी एडवेंस और बहुत कुछ काम किया है मानसी ने, बट शुरुआत में मुझे दिखाती थी, हम लोग बातचीत करते थे। मैं हमेशा बात करती हूँ, हम लोग सब डिस्कस करते हैं कि ऐसा कुछ है, इंटरेस्टिंग है, तो हाँ राय मशवरा होता है। तो फिर इसको तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं वो, वंस यू लर्न हाउ टू साइकिल, सेइंग कुछ और है, यू कैन नेवर फॉरगेट इट। टू मानसी इज लाइक दैट, शी इज एन एक्ट, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। मेरे लिए हम लोग, हमारा परिवार सारे फेस्टिवल्स को बड़े प्यार से और पूरे जोश और होश के साथ मनाते हैं, तो क्रिसमस भी, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है अभी 15-20 दिन, 1-2 महीने पहले से, और मनाएंगे क्रिसमस। एग्जैक्ट प्लान अभी तो है नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। बस साल बीत गया, वक्त बहुत जल्दी बीतता जा रहा है, आने वाला साल भगवान की कृपा रहे बहुत अच्छा रहे और सभी के लिए बड़ा फायदेमंद रहे, और कोई महाबीमारी ना आए, और हम सब अच्छे से ये साल का गुजारा करें और आने वाले कई सालों का। शुक्रिया। क्या ये नहीं, क्या जी टी वी के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरी बहन मानसी के तरफ से, शर्मन में,
wishing you a very happy new year and a merry Christmas. Thank you. वेल मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ. बहुत मेहनत लगी है हमारे शो को अच्छे 100 एपिसोड्स देने में और बहुत खुश हूँ कि लोगों को इतना पसंद आया है, उन्होंने बहुत प्यार दिया है. हमारे शो ने बस ग्रो ही किया है हर रोज़, तो पूरे टीम का कलेक्टिव एफर्ट है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. कोई मेमोरीज़ बहुत बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मतलब मैंने खुद ने भी 100 दिन बिताए हैं इस सेट पे बिना छुट्टी के. पर अब ये सेट ऑब्वियसली मेरा घर बन गया है, यहाँ के लोग मेरी फैमिली बन गए हैं, चाहे वो कास्ट हो या क्रू हो. एंड एक चीज़ जो इस शो की मुझे सबसे स्पेशल लगती है, जो मैं हमेशा याद रखूँगी, वो है हमारा डब्बा ग्रुप. यानी कि हम सारे एक्टर्स और कुछ क्रू मेंबर्स जो है साथ में बैठ के खाना खाते हैं. और अगर आप कभी आओगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी के यहाँ दावत पे आए हो, क्योंकि सबके डब्बे खुल जाते हैं, सब डब्बे शेयर करते हैं, हर रोज़ कुछ अलग अलग लाते हैं, कभी कोई किसी की पसंद का, कभी कोई किसी की पसंद का. और बहुत ही प्यार से एक जॉइंट फैमिली की तरह हम लोग हर रोज़ खाना खाते हैं. तो आई थिंक वो एक सबसे स्पेशल मेमोरी है मेरी शो से. ओ गॉड, इसका मैं जवाब दे ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे सेट पे बहुत अच्छे और बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड्स बने. मैं यूजुअली सेट पे दोस्त कम बनाती हूँ, बट ये दोस्त ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि शो ख़त्म होने के बाद भी हमेशा मेरी लाइफ में रहेंगे. ऑफकोर्स माई मासू अंबिका, यानी कि महर्षि जोशी रॉय, आई एब्सोल्युटली लव हर. शी इज़ वेरी 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 स्वीट दिल से. और जैसा केसर और मासू का रिश्ता है, वैसा ही कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता है, पर हम थोड़े दोस्त ज़्यादा हैं. एंड ऑफकोर्स कबीरा, आई मीन कबीर, हिमांशु सोनी, मैं उनको कबीरा ही बुलाती हूँ. जैसा हमारा एक क्यूट सा दोस्ती है, जहाँ कबीर हमेशा केसर के लिए खड़ा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया है. रियल लाइफ में भी हिमांशु जी वैसे ही हैं, हमेशा उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है, हमेशा सही गाइडेंस दी है. एंड ऑफकोर्स लकी, यानी कि लक्ष्य, ऐसे तो शो में हमारी शादी हो रही है, बट रियल लाइफ में तो हम मतलब ब्रोज और बडीज जैसे हैं. वो ही सो मच फन. एंड देन देर इज़ एकता दी, यानी कि जयदीप हुई, आई एब्सोल्युटली लव हर. शी इज़ लाइक दैट एल्डर सिस्टर, जो उन्होंने जो बोल दिया मेरे को बस वही करना है, वैसा मतलब हमारा बॉन्ड बन गया है. एंड शी इज़ वेरी स्वीट. तो है विभूति है, आई एम वेरी क्लोज टू हर. हमारी सी डी है रोमा, हमारे डायरेक्टर सर है घनश्याम जी, बहुत सारे लोग हैं. बट किन किन का नाम, किसी का नाम मिस हो जाए तो मुझे बुरा लगेगा, उन्हें भी बुरा लगेगा. बट दीज वर सम स्पेशल मेंशंस दैट आई हैड टू मेक. मैं हर साल कुछ ना कुछ अलग करती हूँ, बट मोस्टली मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करती हूँ. कोई फन एंड फेयर होता है जैसे मेरी सोसाइटी में, तो मैं वो अटेंड कर लेती हूँ, या कहीं अच्छे डिनर के लिए चली जाती हूँ. बट इस साल हम लोग हमारे सेट पे सीक्रेट सांता खेल रहे हैं एंड हमने आज ही चिट्स पिक की है, तो सबको एक दूसरे के लिए तो कोई छोटा सा थॉटफुल सा गिफ्ट लाना है, कुछ एक्सपेंसिव नहीं. एंड हम एक क्रिसमस ट्री भी हमारे सेट पे डेकोरेट करने वाले हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दैट. तो ये साल तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे लिए ये नई जर्नी शुरू हुई है और भी काफ़ी सारा ग्रो किया है मैंने पर्सनल लाइफ में करियर वाइज. तो इट हैज़ बिन फॉर्चुनेटली अ वेरी गुड ईयर, टच वुड. बट मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही हो मेरे लिए, हमारे शो के हर इंसान के लिए, हमारे सारी ऑडियंस के लिए. ये शो नेक्स्ट ईयर सिर्फ खुशियाँ और सक्सेस लाए. हाँ मतलब बचपन में आई डोंट रिमेंबर ऐसा एज सच कि मैं सांता में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी या कुछ, बट मुझे याद है एक बार मेरी मॉम ने हमारे लिए सरप्राइज ट्री डेकोरेट किया था, और क्योंकि 25th को क्रिसमस आता है, तो मेरी मॉम ने मेरे लिए और शिवांश के लिए, मैंने मेरे भाई के लिए अलग अलग 25 गिफ्ट्स लाए थे. तो वो एक क्रिसमस मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और मुझे याद है आज भी हम कैसे वो एक एक गिफ्ट खोल के देख रहे थे. नहीं मैं ऐसे सांता तो नहीं बनी हूँ, बट मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी, रैन इंटरनेशनल, तो हमने क्रिसमस से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ की है, स्किट्स की है, तो मैं एक बार मदर मैरी बनी थी.
हाँ बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी. पहली बात तो मेरी क्रिसमस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार कि आपने हमारे शो को हमेशा ऐसे सपोर्ट किया, पसंद किया, और आगे भी देखते रहिए. इट्स जस्ट गोइंग टू गेट बेटर. थैंक यू. थैंक यू. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. 100 एपिसोड्स हो गए हैं एंड इट्स अगेन एन अचीवमेंट. लेकिन अभी 100 हुए, 1000 तक पहुंचना है. 900 और एपिसोड्स विल बी देयर सून. क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, तो देर आर लॉट मेनी मेमोरीज. इसमें हमने लाइक माय एपिसोड के टाइम पे वी वर लाइक इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अस टू डू. 1 आवर का एपिसोड निकालना था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वी एज अ टीम स्टेड टुगेदर. वी एज अ टीम टुक केयर ऑफ ईच अदर और हमने मेहनत करके वो निकाला. सो देर इज़ अ ग्रेट बॉन्ड विद आर टीम. हाँ, सो हमारा एक ग्रुप है डब्बा 2.0. सो इट्स अ बेस्ट ग्रुप. उसमें क्या है, हम क्या क्या कौन खाना ला रहा है वो सब हम डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट डे वो खाना आता है. मैं खाना नहीं लाता तो मेरे लिए सारे खाना लेके आते हैं. देखो, क्रिसमस पे भी हम शूट तो कर रहे होंगे फॉर श्योर, बट सेलिब्रेशन ये है कि पूरा वाइब क्रिसमस का अच्छा होता है. इतना अच्छी फीलिंग होती है क्रिसमस की. और हमारे सेट पे भी हम सीक्रेट सेंटा प्लान किया है हमने अपने सेट पर. तो ऐसा चलेगा हमारा क्रिसमस. कीप वॉचिंग आर शो. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं. एक एक शॉट करने में हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है. देर इज़ अ प्रोसेस बिहाइंड इट. कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड विल ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज वी कैन. थैंक यू. यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ, बट मेरी जर्नी ऐसा लगता है कि 100 एपिसोड की नहीं, 1000 एपिसोड की है. तो एक्साइटमेंट मेरा बहुत ज़्यादा होगा जब मैं अपने उम्मीदों से परे चला जाऊँगा. तो आपने जितना प्यार दिया है मैं उसकी वजह से इतना खुश हूँ कि अभी तक 100 एपिसोड हो गए हमें पता नहीं चला. आप ऐसे ही प्यार देते रहें और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें 1000 एपिसोड तक मिनिमम. हम ऐसे सोचते भी नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 1000 पहुँचेंगे. बस एक दिन एक नेक्स्ट. बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है. क्या बोलेगा सूरज कि 100 दिन कैसे कंप्लीट हो गए वो सच में हमें पता नहीं चला. हाँ, बट हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि 100 एपिसोड की पार्टी है. तो हमने देखा 100 एपिसोड की पार्टी. 100 एपिसोड कब हुआ? ये धमाका कब हुआ? क्योंकि हम दिन रात बस काम ही किए जा रहे थे आपके लिए. बस उसमें मजा बहुत आया काम करने में. मजा बहुत आया. तबीयतें बहुत खराब हुई. 22 घंटे भी काम करना पड़ा. बट हम बहुत खुश थे और बहुत पॉजिटिव थे उस समय भी. ऐसा कौन है जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं है? देख सकते हो आप बॉन्डिंग का. ये दुश्मन है. ये दिख रहा होगा दुश्मन है लेकिन बॉन्डिंग बहुत है. तो अब इससे ज्यादा क्या बोलें. बॉन्डिंग हमारी सबके साथ बहुत अच्छी है. फैमिली जैसी बॉन्डिंग. कौन से किसी का मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? कोई फनी
एवरी डे हमारा तो फनी होता है, हम वहाँ काम करने नहीं जाते, मस्ती करने जाते हैं, फनी मोमेंट में हम काम कर लेते हैं, फनी मोमेंट में हम काम कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसे कोई मेमोरी एक या दो हो तो हम बताएं, हज़ारों हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब कभी हमारे सेट पे आएँ, आई थिंक 250 एपिसोड या 300 होंगे तो मैं आप सबको इन्वाइट करूँगा सेट पे, मेरा वादा है। वो भी फनी है वो, हाँ। और कुछ आपके साथ धमाल करेंगे उस दिन, हम सेट पर ही लोग शूट कर रहे हैं, हमारे मोस्टली फेस्टिवल हो गए चाहे हमारे सेलिब्रेशंस हो गए वो हमारे सेट पे ही जा रहे हैं, हमारी फैमिली सेट पे आ जाती है और हम सब मिलके मनाते हैं, क्योंकि ये एक हमारी रियल लाइफ फैमिली है जो सास माँ बहू बेटी होती है और एक हमारी रियल फैमिली है, तो हम सब मिलकर के मनाते हैं। तो अभी क्रिसमस आ रहा है तो हमने प्लान किया सीक्रेट सेंटा का और 25 तारीख को हम वो सबको गिफ्ट देने वाले हैं और लोग गैस करते रहेंगे गिफ्ट किसने दिया। न्यू ईयर का भी कुछ ऐसा ही रहेगा, सेंटा हमारे डायरेक्टर सर है, हमारे सेंटा डायरेक्टर सर को हम सेंटा बना देंगे क्योंकि वो लगते भी हैं पेट में, वो प्रॉपर सेंटा है, प्रॉपर सेंटा है। ऑफ कोर्स मैं हूँ रियल लाइफ में सेंटा, एवरी डे में सेंटा देते रहते हैं कुछ ना कुछ प्यार हम देते हैं, हम रोज टेक देते हैं ताकि आप देखो और आप हमें प्यार देते हो, हम रोज के सेंटा है, एवरी डे वाले सेंटा है हम, वैसे तो नहीं बने लेकिन हाँ रियल लाइफ सेंटा है हम, हम अपना काम करते हैं, प्यार देते हैं, प्यार देते हैं, तो वो हम, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू गाइस। या क्रिसमस की मैं बोलूँगा आप सबको मैरी क्रिसमस, क्रिसमस आ रहा है, प्यार का त्यौहार है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बने रहें, जैसे हमारा शो है मोहब्बत फैमिली, एक अडॉप्टेड लड़की को भी प्यार देना बहू की तरह माँ की तरह, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने आसपास में जो भी आपके रिलेटिव हैं अगर किसी से गुस्सा वुस्सा लड़ाई हुई है तो वो सब उस दिन हक करके ख़त्म कर लो, प्यार से रहो, हम प्यार वाले वासी हैं, भारतवासी। बस यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, आप सब लाइक खुश रहिए, प्यार से रहिए, जैसे भाई ने बोला हमारे 25 तारीख को सब प्यार से रहिए और 30 को सब मिलकर न्यू ईयर मनाइए, दैट्स इट, नए साल में नई एनर्जी नई पॉजिटिविटी, अच्छा लगेगा, प्यार अपने आप बढ़ता है उससे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, और हेलो हेलो, हाँ कीप वाचिंग 6:30 बजे क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, देखना जरूर है, जी टीवी पर हम मिलेंगे 25 तारीख को।